नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? सर, हम बहुत बढ़िया हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। जी, हम बहुत अच्छे हैं। हम भी MCQs की दुनिया में आपका स्वागत है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मई 2019 से आपके सामने आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि भाई, जो सी इंस्टीट्यूट ने MCQs डाले हैं सैम्पल पेपर के तौर पर, उनका डिस्कशन किया जाए जिससे कि आपका समय बचे। आप कुछ डिमांड करें और हम उसको पूरा ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बस इसी थॉट के साथ में MCQs लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। ICI की वेबसाइट पर 4 सेट दे रखे हैं सैम्पल पेपर के, पार्ट ABCD करके। पार्ट ए का डिस्कशन मैं आपसे करने जा रहा हूँ, जिसमें कि आपके 40 क्वेश्चंस अच्छे वाले दे रखे हैं। और आइए, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, हम स्टार्ट करते हैं MCQs। और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? सर जी, बहुत बढ़िया चल रही है, बढ़िया ही चलनी चाहिए। और इसमें अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए तो ये हमारा सौभाग्य होगा। आ जाओ जी, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है यहां पर। ये कह रहा है, हम फटाफट से करेंगे तो आप भी पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ यहां पर रहिएगा हमारे साथ में, ठीक है ना जी? कह रहा, टैक्सेबल पर्सन मेड फॉलोइंग सप्लाईज इन जनवरी। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करेंगे। जनवरी 2018 के अंदर इन्होंने किया है, इन्होंने की है सेल विद इन द स्टेट, यानी कि इंट्रा स्टेट सेल है। इसके दो निकल के आएंगे, CGST और SGST। एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया, ये आपकी IGST वाली सेल हो गई। और SEZ को सप्लाई करना भी IGST कैटेगरी के अंदर आता है। ही डज नॉट इंटेंड टू क्लियर गुड्स अंडर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, मतलब कि ये बॉन्ड के तहत सप्लाई नहीं कर रहा है कि आपको पेमेंट ही ना करना पड़े, यानी कि पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर रिफंड की बात करके चलेंगे। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेमेंट करना पड़ेगा इन सिचुएशंस में भी। द ITC अवेलेबल टू हिम ड्यूरिंग जनवरी में IGST का इतना था, CGST इतना था और SGST इतना था। कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है कैश लेजर, क्रेडिट लेजर वगैरह के अंदर। रेट ऑफ GST वो 9% और 18% दे रखे हैं। उसे कैश पेमेंट कितना करना पड़ेगा, बेसिकली ये ITC यूटिलाइजेशन के संबंध में है। तो हम पहले देख लेते हैं कि हमारी आउटपुट GST लायबिलिटी कितनी आ रही है निकलकर, जिसमें बात करी जा सकती है कि हमारा जो IGST कितना बन रहा है, हमारा CGST कितना बन रहा है और हमारा SGST कितना बन रहा है। मुझे कैलकुलेटर देना भाई, हमारा ये कितना बन रहा है। तो ये जो सेल हो रही है विद इन द स्टेट, इंट्रा स्टेट है, तो 9% का आएगा यहाँ पर CGST SGST। तो इसका मतलब 18,000 रुपये तो ये निकल के आ जाएगा और 18,000 रुपये का ये निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना जी? और जो एक्सपोर्ट किया है और SEZ दोनों के दोनों इंटरस्टेट हैं, यानी कि अगर मैं कंबाइंड बात कर चलूँ तो ये 1,00,000 हो गया और 1,00,000 का 18% आ जाएगा IGST, जो 18,000 आपका यहाँ पर आ जाता। तो ये हो गई आपकी आउटपुट GST लायबिलिटी हो जाती है। जहाँ तक सवाल है ITC यूटिलाइजेशन का, तो पहले अपने अपने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम जानते हैं CIS, पहले अपने अपने से सेट ऑफ करेंगे और फिर क्रॉस सेट ऑफ ऐसे कर सकते हैं। अपने अपने से करके देखें तो IGST जो हमारा बैलेंस है उसका निल था, ये निल यहाँ पर आ जाएगा। CGST का बैलेंस फर्स्ट ऑफ ऑल अपने से 10,000 का यहाँ पर आ जाएगा, इस्तेमाल कर लेंगे। और SGST 20,000 दे रखा है लेकिन हमें सिर्फ 18,000 की ज़रूरत है, बाकी हमारा बच जाता है SGST का बैलेंस 2,000 रुपये। SGST CGST के लिए तो इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन हाँ IGST के लिए पक्का पक्का इस्तेमाल हो सकता है SGST का क्रेडिट। तो जो कैश में लायबिलिटी बनेगी आपकी 16,000 यहाँ पर बनती है, 8,000 आपकी यहाँ पर बनती है और यहाँ पर बनती है आपकी निल करके। इसका मतलब ये हो गया कि IGST 16,000, CGST हो गया हमारा यहाँ पर 8,000 और SGST हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर आपका डी निकल कर आता है, ठीक है? यस सर। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर ए हैज़ रिसीव्ड टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम IT स्टार कंसल्टेंट्स फ्रॉम USA। यानी कि ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्ट ऑफ सर्विस की बात कर रहा है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस कह रहा है, ठीक है जी? द इम्पोर्ट ऑफ टेक्निकल कंसल्टेंसी विल नॉट बी लाइबल टू GST। ये GST नहीं लगेगा, यदि कब नहीं लगेगा वो आपको बताना है। जब नेगेटिव टोन में क्वेश्चन आए ना, तो आप सारे आंसर को पॉजिटिवली चेक कर लीजिए, मतलब क्वेश्चन को भूल जाओ अगर नेगेटिव सेंस में है। तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ छोटी सी, वरना कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाती है। आप इंडिपेंडेंटली हर केस को चेक करो किस में लगेगा किस में नहीं लगेगा। मिस्टर ए पेज सम कंसीडरेशन फॉर द सर्विसेज रिसीव्ड, फॉर द सर्विसेज रिसीव्ड। तो मुझे बताइए कि क्या यहाँ पर GST लगेगा या नहीं लगेगा। भाई कंसीडरेशन अगर पे करके चल रहा है, तो कंसीडरेशन अगर होता है तो हरी हरी पत्तियाँ अगर हैं तो थोड़ा सा छींटे यहाँ पर भी गिरा दो, ऐसा हमने देखा था। तो यहाँ पर GST लगाया जाएगा। उसके बाद मिस्टर ए पेज सम कंसीडरेशन फॉर द सर्विसेज, तो ये आपका सप्लाई तो बनेगा, कंसीडरेशन है तो। एंड इफ मिस्टर ए यूजेज द सेड सर्विसेज फॉर
बिजनेस पर्पस, तो कंसीडरेशन भी है बिजनेस पर्पस के लिए, तो यहां पर भी आपका जीएसटी लगा दिया जाएगा। ठीक है जी। मिस्टर ए यूजेस द सेड सर्विस फॉर बिजनेस पर्पस इवन दो ही डज नॉट पे द कंसीडरेशन फॉर द सेम। कंसीडरेशन पे नहीं किया है एफओसी, तो एफओसी के संबंध में सप्लाई तब बनती है जब वो बिजनेस पर्पस के लिए गई हो, ये भी कंडीशन पूरी है। लेकिन यहां पर रिलेटेड पार्टी की कोई बात नहीं हो रही है, इन द एब्सेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा और यहां पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ठीक है जी। संदीप भैया हमें मत दिखाओ जरा, पूरा रख के चलो ऐसे करके ना, पूरा पेज दिखेगा साफ से। उसके बाद में आगे बोलते हैं मिस्टर ए यूजेस द, ये रह गया, मिस्टर ए यूजेस द सेड सर्विस फॉर पर्सनल पर्पस। ठीक है, ओके, पर्सनल पर्पस है एंड डज नॉट पे द कंसीडरेशन। एफओसी है और पर्सनल पर्पस के लिए है तो भी ये सप्लाई नहीं बनेगा, क्योंकि एफओसी में बिजनेस पर्पस हो और साथ में रिलेटेड पार्टी से लिया हो तो ही सप्लाई बन पाता है, तो ये भी आपका यहां पर आकर सप्लाई नहीं बनेगा। मिस्टर ए यूजेस द सेड सर्विस फॉर बिजनेस पर्पस एंड डज नॉट पे द कंसीडरेशन फॉर द सेम एंड ऑल्सो अ पार्टनर इन, यहां तीनों कंडीशन पूरी हो रही है, एफओसी ट्रांजेक्शन बिजनेस पर्पस के लिए और पार्टनर होने के नाते रिलेटेड पार्टी में आ जाता है, तो इसका मतलब सप्लाई बनेगी और जीएसटी का पेमेंट भी करना पड़ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अब देखो जरा, विल नॉट बी लाइबल टू जीएसटी, कौन कौन से मामले हैं जो जीएसटी जिन पर नहीं लगाया जाएगा, तो दो मामले निकल के आते हैं जहां पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, तीसरा और चौथा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ये निकलकर यहां पर आ जाता है। ठीक है जी, ठीक है, समझ में आ गई ना बात, मैंने कैसे ट्रिक किया। हर एक केस को देख लो कहां लग रहा है कहां नहीं लग रहा, फिर क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ के देखो, फिर अपना आंसर करो ताकि कोई किसी प्रकार की कंफ्यूजन आपके सामने ना आए। एक्स वाई बेंगलोर कर्नाटका फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मैं तेज तेज इसलिए करा रहा हूं बाबू क्योंकि इस मोमेंट पर आपके लिए सुपर फास्ट तरीके से सारी बात समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमने लेट कर दिया, थोड़ा डिले दिया, धीरे धीरे बोल के कराया, तो वहां पर पर्पस फेल हो जाएगा। अगर वीडियो का ड्यूरेशन ज्यादा हो गया तो पर्पस फेल हो जाता है। मैं चाहता हूं कि आप जितने समय में करें उससे कहीं कम समय में मैं आपको करवा दूं। एक्स वाई, और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसमें से पूछा जाएगा डेफिनेटली, तो अच्छे से करके चलिएगा इसको। एक्स वाई बेंगलोर कर्नाटका फर्निशेस फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। 10 मैट्रिक टन ऑफ इनपुट स्टॉक ट्रांसफर टू ब्रांच सिचुएटेड इन चेन्नई। बेंगलोर से चेन्नई माल जा रहा है, 10 मैट्रिक टन की बात कर रहा है। तमिलनाडु ऑन 10th April 2000 समथिंग ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ द इनपुट शोन इन द इनवॉइस 10,000। इन्होंने इसकी वैल्यू डिक्लेयर कर दी है कि भाई साहब ये इसकी वैल्यू है। 5 मैट्रिक टन ऑफ इनपुट सप्लाई टू कस्टमर लोकेटेड इन चेन्नई 12,500। और इंडिपेंडेंट पार्टी को एक कस्टमर को बेचा गया 12,500 में, लेकिन स्टॉक ट्रांसफर में दिखाया 10,000 रुपये का, कोई बात नहीं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये दे रखी है, चेन्नई ब्रांच इज एलिजिबल टू टेक फुल ITC। वेरी गुड, बहुत बढ़िया की लाइन यहाँ पर ही आ गई है, द वैल्यू ऑफ द इनपुट स्टॉक ट्रांसफर। वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू क्या रहेगी। हमने पढ़ रखा है हमने पढ़ रखा है यहाँ पर जब वैल्यूएशन रूल्स के अंदर के जब स्टॉक ट्रांसफर किया जाता है तो वहाँ पर सबसे पहला रैंक वन जो हमारा निकल के आता है उसमें ये लिखा हुआ था, मैंने आपको रिवीजन वीडियो में बता रखा है, आप चेक कर लीजिएगा वैल्यूएशन वाले में, कि अगर सामने वाली पार्टी ITC बुक करने की हकदार है तो जो भी वैल्यू आप डिक्लेयर करेंगे उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, बाकी कोई तुलना किसी प्रकार की नहीं करी जाएगी। तो यहाँ पर 10,000 की वैल्यू जो आपने डिक्लेयर करी है वही यहाँ पर एक्सेप्ट कर ली जाएगी, तो इसका सही आंसर ए आपका निकल कर आ जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द गिवन एक्टिविटीज डज नॉट अमाउंट टू सप्लाई। क्या सप्लाई नहीं है, नेगेटिव टोन में क्वेश्चन है, तो इसे एक क्वेश्चन को इग्नोर करो और आप चेक करो क्या है क्या नहीं है, इंडिपेंडेंटली चेक करो विदाउट कंसीडरिंग दिस की पूछा क्या गया है। ठीक है ना, तो देखते हैं मालिक इसमें क्या निकल कर आ रहा है। ये इसका जवाब कह रहा है, एन आर्किटेक्ट इन इंडिया सीकिंग लीगल एडवाइस फ्रॉम हिज सन सेटल्ड इन लंडन फ्री ऑफ कॉस्ट विद रिगार्ड टू हिज फैमिली डिस्प्यूट। तो भाई मैंने कहा था कि जब हम इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात करके चलते हैं तो वहां पर तीन कंडीशन पूरी होनी चाहिए हमारी, एक तो बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए, दूसरा एफओसी है और तीसरा रिलेटेड पार्टी से है। तो यहां बेटा है, रिलेटेड पार्टी है, एफओसी ट्रांजैक्शन भी हो रही है, लेकिन बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, फैमिली डिस्प्यूट है, इसलिए ये सप्लाई नहीं बनेगा। वैसे आपका आंसर यही आ जाता, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें कोई इन चार में से एक को चुनना है, उसने पूछा है कि क्या सप्लाई नहीं है, तो आंसर आ चुका है, बाकी सारे सप्लाई बनेंगे आपके। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन प्रोवाइड अ सर्विस ऑफ पढ़ने की जरूरत नहीं, हालांकि आगे डिपॉजिटिंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ रेजिडेंट इन लियो ऑफ सम नॉमिनल चार्जेस, तो ये डेफिनेटली आपका सप्लाई बना दिया जाएगा। आप इसे एग्जम्पशन मत डालिएगा कि 7,500 के एग्जम्पशन के अंदर आप डाल दें, वो एक अदरवाइज चीज होती है, ये एक एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है नॉमिनल चार्जेस के ऊपर, दिस इज लाइबल टू जीएसटी, चाहे इसकी वैल्यू कितनी भी कम क्यों ना हो। अ डीलर ऑफ एयर कंडीशनर परमानेंटली ट्रांसफर, परमानेंट ट्रांसफर कर दिया है, परमानेंट ट्रांसफर से मुझे याद आता है कि अगर ITC आपने रखा है तो उसे सप्लाई बना दिया जाता है। फ्रॉम हिज स्टॉक इन ट्रेड फॉर पर्सनल यूज एट हिज रेजिडेंस, तो डीलर ने परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया एयर कंडीशनर और स्टॉक इन ट्रेड से पर्सनल यूज के लिए। वी आर अज्यूमिंग, यहां अजम्पशन ले सकते हैं कि भाई साहब
इन्होंने ITC अपना ले रखा था, AC के ऊपर ITC नॉर्मल लिया जाता है, काम धंधा कर रहा है तो AC टैक्सेबल भी होता है, ITC भी इन्होंने ले रखा होगा, तो इस कारण से सप्लाई बना दिया जाएगा। हालांकि इस पर क्लैरिटी इनको देनी चाहिए थी। एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इन इंडिया सीक्स लीगल एडवाइस फॉर इट्स बिजनेस फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस फ्री ऑफ कॉस्ट। रिलेटेड पार्टी की यहां पर बात करी जा रही है और ये लीगल एडवाइस बिजनेस पर्पस के लिए ले रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तीनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं, इसलिए इसको भी सप्लाई बना दिया जाएगा। तो इसका सही जवाब बेसिकली ए था कि क्या इसमें से सप्लाई नहीं है। ठीक, पांचवा क्वेश्चन, मिस्टर एक्स एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद ए क्लाइंट फॉर सप्लाई ऑफ सर्टेन सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट की डेट मेरे लिए कोई रेलिवेंसी नहीं है, ये टाइम ऑफ सप्लाई पूछ रहा, तो उसको ध्यान में रखते हुए बात को क्वेश्चन को पढ़ के चलेंगे। GST पेबल ऑन सच सर्विसेज अंडर फॉरवर्ड चार्ज, यानी कि नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म के अंदर GST बनता है, तो आपको टाइम ऑफ सप्लाई नॉर्मल चार्ज के मुताबिक निकाल के चलना है। सेक्शन सर्विस की बात करें तो 13(2) का इस्तेमाल यहां पर किया जाएगा। सर्विसेज आर सप्लाइड ऑन 25/12/2017 को सर्विसेज सप्लाई करी जाती हैं। ठीक है जी, एंड इनवॉइस 5 तारीख को दे दिया जाता है। द क्लाइंट मेक्स पेमेंट बाई चेक फॉर द सर्विसेज ऑन 29/12/2017 को क्लाइंट ने चेक दे दिया है, एंड सच पेमेंट इज क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट ऑफ मिस्टर एक्स, इनके खाते में क्रेडिट हो गया है 6/1 को। द पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द क्लाइंट एंड मिस्टर एक्स ऑन 30/12/2017 और 7/1। ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट, यहां चाल खेली गई है। चूंकि नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म लगाया जा रहा है, तो मुझे इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है कि भाई साहब इसने अपनी किताबों में बुकिश एंट्री कब डाली और इसके खाते में क्रेडिट कब हुआ, विच एवर इज अर्लियर वो पेमेंट क्रेडिट बनाई जाएगी। तो इसको देखो कि मिस्टर एक्स जो था उसने अपने खातों में उसे कब क्रेडिट किया है। दिस पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ क्लाइंट एंड मिस्टर एक्स, तो ये वाला है 7 जनवरी को, 7 जनवरी को अपनी किताबों में इसने एंट्री कराई है 7 जनवरी 2018 को, और क्रेडिट हो गया था पैसा 6 तारीख को, तो 6/1/2018 को क्रेडिट पैसा हो गया था। इसका मतलब विच एवर इज अर्लियर पेमेंट क्रेडिट 6/1/2018 आपकी निकल के आएगी। अब इस पेमेंट की डेट को आप कंपेयर कर दीजिए इनवॉइस क्रेडिट से कि इनवॉइस क्रेडिट और पेमेंट क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर सेक्शन नंबर 13(2) के मुताबिक ये आएगा 5 जनवरी आपकी इनवॉइस क्रेडिट थी, 6 जनवरी पेमेंट क्रेडिट है, विच एवर इज अर्लियर, तो यानी कि 5 जनवरी 2018 आपका यहां पर सही जवाब निकलकर आएगा। यह था आपका पांचवा क्वेश्चन। छठे, केसर महाराज, ये ट्रिकी क्वेश्चन था थोड़ा सा, मतलब गलती करने के चांसेस थे, तो आपको देखना है कि NCM लग रहा है तो हम सप्लायर की बुक्स को देखेंगे, और अगर RCM लग रहा है तो फिर रेसिपिएंट की बुक्स में झांक कर देखते हैं, तो थोड़ा घुमाने का प्रयास किया गया था। केसर महाराज, रजिस्टर्ड सप्लायर, गिव अ क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस इन ऑडिटोरियम, द कंसिडरेशन एग्जम्पशन याद आती है, 1.5 लाख तक की है, हाँ जी हाँ, फॉर द सेड परफॉर्मेंस 1,60,000, 1.5 लाख तक तो एग्जम्पशन है, 1,50,000 से ऊपर चला गया तो फुल अमाउंट लाइबल टू GST। द परफॉर्मेंस इज नॉट फॉर प्रमोशन, ठीक है, ब्रांड नेम वगैरह का, ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रेट ऑफ CGST SGST 9% है, assuming the service supplied by him interested supply है, तो 9% ये taxable हो गया, 9% के हिसाब से CGST SGST इस पे चार्ज कर लिया जाएगा। तो 1,60,000 का 9% कितना निकल के आता है, 1,60,000 का 9% आता है 14,400, इसका सही जवाब आपका बी निकल के आएगा। ये था आपका छठवां क्वेश्चन। उसके बाद में फिर हम आगे बता, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा स्पीड ठीक है कि नहीं है, ठीक है जी। और मैं आपको छोटी सी जानकारी और देना चाहता हूँ, पिछली बार से हमने एक फास्ट ट्रैक बैच भी शुरू किए हैं पेन ड्राइव मोड के अंदर, जिसका टाइम पीरियड होगा 90 आवर का ड्यूरेशन होगा, और इसके अंदर हर एक लेक्चर ढाई घंटे का, इससे 40 लेक्चर मैं बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जो जिनको एग्ज़ाम अपना नवंबर में देना है। नवंबर बैच के लिए अपडेट करके मैं ये रख के चलूँगा, तो अगर हो सके तो ये इन्फॉर्मेशन आगे तक पहुंचा दीजिएगा। ये तो फास्ट ट्रैक बैच है हमारा, और ये प्री बुकिंग इसकी चालू हो चुकी है मल्टीपल वेबसाइट्स के ऊपर, और उसके बाद में एक हमारा जो रेगुलर बैच अपना आ रहा है वो 15 मई से स्टार्ट हो रहा है, ये नए बच्चों के लिए है, 15 मई से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि 68 लेक्चर्स हमारे होंगे, 34 लेक्चर देखे जा सकते हैं, मतलब पूरा का पूरा लाइव बैच है, 34 लेक्चर क्लासरूम के अंदर आना है, और बैलेंस 34 लेक्चर जो होंगे वो घर पर भी देखे जा सकते हैं, यानी कि एक स्टूडेंट को सिर्फ 34 दिन ही क्लासरूम के अंदर आना है, बाकी लेक्चर घर पर बैठकर देख सकता है। सातवां क्वेश्चन है, अवतार एंटरप्राइजेस कानपुर स्टार्टिंग ट्रेडिंग इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, ठीक है भाई साहब, ट्रेडर आदमी है, आयुर्वेदिक मेडिसिन में डील कर रहा है। फ्रॉम July 1 इट्स टर्नओवर एक्सीडेड ₹20 लाख ऑन
थर्ड अक्टूबर, 3 अक्टूबर को ये एक्सीड कर गए हैं। द फर्म अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 31 अक्टूबर। पहले चेक करो क्या टाइम से किया है, 30 डेज के अंदर अप्लाई करना होता है। जी हाँ, 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दिया, वेरी वेल डन। और 30 डेज के अंदर हम अप्लाई कर देते तो हमारी इफेक्टिव डेट ये बन जाती है, 3 अक्टूबर इफेक्टिव डेट हमारी यहाँ पर बन जाएगी रजिस्ट्रेशन की। एंड वाज इशूड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑन नवंबर 5, 5 नवंबर को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। यानी कि आपका एक डेट आ रही है 3 अक्टूबर, दूसरा आपने विदिन टाइम अप्लाई कर दिया था, और 5 नवंबर को आपको यहां पर आरसी ग्रांट करी जा रही है, ठीक है जी, ऐसे करके। और आपका रजिस्ट्रेशन इस डेट से इफेक्टिव यहां पर हो जाता। तो यहां से लेकर यहां तक का जो पीरियड है, इसके लिए इनवॉइस की बात करना चाहेगा। कैन एनी रिवाइज इनवॉइस बी इशूड इन द गिवन सिनेरियो इफ द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन अफर्मेटिव, डिटरमिन द पीरियड फॉर विच रिवाइज इनवॉइस कैन बी इशूड एंड ऑल्सो द लास्ट डेट। तो इस वाले पीरियड के लिए इनवॉइस इशू किया जा सकता है यहां से 1 महीने के अंदर अंदर, यानी कि 5 दिसंबर तक आप इस पीरियड के लिए इनवॉइस इशू कर सकते हो। यहां इस पीरियड के लिए 5 दिसंबर तक आप अपना इनवॉइस इशू कर सकते हो। तो इसका सही जवाब क्या निकल के आएगा, इसका सही जवाब पढ़कर देखो कौन सा ठीक बैठ रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर है आपका ये 7वां, और इसमें देखना बी वाले पर को पढ़ के देखना, शायद ये सही जवाब है। रिवाइज्ड इनवॉइस कैन बी इश्यूड फॉर सप्लाई मेड बिटवीन 3 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक के लिए, और लास्ट डेट होगी ये वाली। तो इसका सही जवाब बी है आपका, ठीक है, इसका सही जवाब बी है जी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है ऑटो ट्यून करना है क्या, हाँ जी। आगे बोलता है शगुन स्टार्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स इन वसाई महाराष्ट्र फ्रॉम 1/1/2000 समथिंग, हर टर्नओवर एक्सीडेड 20 लाख, 25 तारीख को इनका टर्नओवर ये 20 लाख को क्रॉस कर गया है, ठीक है जी। हाउएवर शी डिड नॉट अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, वेरी वेल डन। डिटरमिन द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इफ एनी, नॉन रजिस्ट्रेशन के लिए पेनल्टी सेक्शन 122 के अंदर लगाई जाती है, जहां पर बोला जाता है आज ही मैंने रिविजनरी वीडियो के अंदर आपको जो अपलोड हुआ उसमें देखा होगा आपने, 122 उनके लगा रही कि जो भी आपका डिस्प्यूटेड अमाउंट होता है वो और ₹10,000 विच एवर इज हायर की पेनल्टी यहां पे लगाई जाती है। However, she did not apply for registration. Determine the amount of penalty may be imposed on Shagun on under section law. Reference भी आ गया और GST on this. If the tax evaded by her as on date on account of further registration is 1,26,000, तो 1,26,000 और 10,000 which ever is higher, तो इसका सही जवाब आपका B निकल कर आएगा। नवा प्रश्न है, कच्छ रिफाइनरी सप्लाईज LPG टू XYZ बाई अ पाइपलाइन। ये आ गया आपका LPG आपका गुड्स की कैटेगरी में आता है, और पाइपलाइन के थ्रू बात कर रहा, तो फील आ रही है जैसे कि कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स की बात कर रहा है। इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर मंथली पेमेंट ऑफ ₹2,00,000 विल बी मेड बाई द रेसिपियंट ऑन 5th of the month। मंथली पेमेंट कराए जाएंगे और अगले महीने की 5 तारीख को करवाया जाएगा, कि अगर ये वाला महीना है तो अगले महीने की 5 तारीख को पेमेंट करवाया जाएगा। क्वार्टरली स्टेटमेंट दिए जाएंगे ऑफ द गुड्स डिस्पैच्ड एंड पेमेंट विल बी इशूड बाई 7th एंड पेमेंट्स विल बी मेड बाई 7th day ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द रेलिवेंट क्वार्टर। ऐसे करके इन्होंने यहाँ पर अपना एग्रीमेंट कर रखा है। तो यहाँ पर बेसिकली पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, इनवॉइस की क्या स्थिति रहेगी। तो इनवॉइस के अंदर बोलते हैं कि जिस दिन भी आप स्टेटमेंट सबमिट कर रहे हो वो वाली डेट ले लीजिए, और अगर पेमेंट इससे पहले हो गया तो पेमेंट की डेट यहाँ पर कंसिडर कर ली जाएगी। चूंकि पेमेंट किया जा रहा है, मंथली पेमेंट 2 लाख रुपये का है, और तो इसके संबंध में बात कर रहे हैं कि इनवॉइस विल बी इशूड ऑन 5th अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और ऐसे करके यहां पर बात करी जाएगी। तो ये इसमें स्टेटमेंट आपका सही निकल कर आ जाता है, ठीक है जी, क्योंकि बाकी स्टेटमेंट की अगर हम बात करके चलें तो वो सही नहीं बैठ पाते हैं जी। तो ठीक है जी, बाकी क्वेश्चन को ज़्यादा देखने की इसमें आवश्यकता थी नहीं। उसके बाद आता है आपका 10वां क्वेश्चन, यहाँ पर निकल कर आ जाता है। क्या बोलता है आपका 10वां क्वेश्चन, चार्टर्ड अकाउंटेंट इशूड द फॉलोइंग बिल प्रोफेशनल फीस, ओके। वैसे पूछा क्या गया है, वैल्यू पूछी गई है, पहले झांक कर देख लेना पूछा क्या गया, ताकि क्वेश्चन को उसी टोन के मुताबिक पढ़ा जाए। प्रोफेशनल फीस 1 लाख रुपए की, ठीक है, वैल्यू का पार्ट है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, ठीक है, एक सीए के जो होते हैं वो प्योर एजेंट की कैपेसिटी में नहीं आते हैं, मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था। MCA फॉर ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, ये प्योर एजेंट केस में आएगा, क्योंकि क्लाइंट इसका रियल बेनिफिट जो मिलता है वो क्लाइंट को ही मिलता है डायरेक्टली, तो ये प्योर एजेंट कैपेसिटी में आता है, इसलिए वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। इसलिए यहां पर जो वैल्यू होगी वो 1,10,000 रुपए रखवा दी जाएगी। कृष्णा मोटर्स इज अ कार डीलर, कृष्णा मोटर्स इज अ कार डीलर, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, कार डीलर है।
सेलिंग कार ऑफ एन इंटरनेशनल कार कंपनी. ओके. इट प्रोवाइड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विस ऑफ द कार्स सोल्ड बाय इट एज ऑल्सो टू अदर कार. ठीक है, कार भी बेचते हैं, रिपेयर मेंटेनेंस भी देते हैं, और अक्सर होता है भी है. ऑथराइज सर्विस स्टेशन ने बना रखा है. डिटरमिन द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स अवेलेबल विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एक्सपेंसिस इनकर्ड बाई इट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस ऑपरेशन. ITC पूछ रहा भाई साहब कितना मिलेगा. कार परचेज्ड, कार जो हैं वो इन्होंने परचेज करी हैं फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर ऑफ मेकिंग फर्दर सप्लाई ऑफ, जो कार परचेज करी थी उन पर 20 लाख का टैक्स भरा हुआ था, GST पेड था आपका. टू ऑफ सच कार्स आर डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट वाइल बींग यूज फॉर टेस्ट ड्राइव. दो एक्सीडेंट हो गई यानी कि बिजनेस पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाई हैं, वो डिस्ट्रॉय आपकी हो चुकी हैं. और सेक्शन नंबर 16 12 कंडीशन पूरा करने पर ही आपको क्रेडिट देकर चलता है, लेकिन यहाँ पर वो कंडीशन पूरी नहीं हो पा रही बिजनेस पर्पज के लिए नहीं, तो आपको 1 लाख का क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आपका इसमें से 19 लाख का क्रेडिट रह जाता है, इस वाले में से 19 लाख का. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अवेल्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कार शेड. आप एक इमूल प्रॉपर्टी बना रहे हैं उसके लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस लिए, इसका आप चूंकि एंड यूजर है, मारुति सुजुकी का मैंने एग्जांपल देके आपको ये समझाया था ड्यूरिंग द कोर्स, और तो इसका भी आपको क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा, तो यहां पर आपको सिर्फ 19 लाख रुपए का ही क्रेडिट अवेलेबल होगा. ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट पाया जाता है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय एन इंडिविजुअल इज टैक्सेबल अंडर GST. इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे अच्छे खासे क्वेश्चन बना रखे हैं. इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, कह रहे इंडिविजुअल ने इंपोर्ट किया है और टैक्सेबल कब कब होगा. इंपोर्ट ऑफ सर्विस विद कंसीडरेशन इन द कोर्स और फर्दर हैंस. कंसीडरेशन है तो भाई साहब फिर आगे पढ़ो ही मत, फिर तो भाई साहब यहां पर आपका GST लगा दिया जाएगा. इंपोर्ट ऑफ सर्विस विद कंसीडरेशन तो है, लेकिन छोटी सी बात और ध्यान रखनी है, नॉट इन द कोर्स और फर्दर हैंस ऑफ बिजनेस. तो अब यहां से इन्होंने पॉइंट जोड़ दिया जो IGST के अंदर एक एग्जम्पशन दे रखी है कि अगर एक इंडिविजुअल है और वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस करके चलता है और वो उसके पर्सनल यूज के लिए है तो वहां पर उसे एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, यानी कि इस पर GST नहीं लगाया जाएगा. परंतु इन्हें एक बात और बोलनी चाहिए थी, मेरे हिसाब से क्लियर करना चाहिए था कि ये OIDAR की सर्विस नहीं है, क्योंकि OIDAR की अगर ये सर्विस होती तो इस पर भी टैक्स लग जाता. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर पॉइंट पकड़ लिया हो तो बोल देना कि हाँ ठीक है जी, आह और एक वाह लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि आपको पॉइंट पकड़ में आ गया है. ठीक है जी, कमेंट बॉक्स के अंदर. इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज OIDAR अगर होता तो टैक्सेबल हो जाता, तो उन्हें क्लेरिफाई करना चाहिए था कि जो सर्विस का नेचर है वो अदर देन OIDAR है. इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसीडरेशन फ्रॉम, अच्छा FOC है और रिलेटेड पार्टी से है और इन द कोर्स और फर्दर हैंस ऑफ बिजनेस भी है, तो बताइए ये आपका टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा. यस, ये आपका टैक्सेबल करार कर दिया जाएगा. इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसीडरेशन है, FOC है, रिलेटेड पार्टी से है, नॉट इन द कोर्स, पर्सनल पर्पज के लिए सप्लाई नहीं बन पाएगा, तो इसका मतलब यहां पर GST नहीं लग पाएगा. तो जो सही आपके स्टेटमेंट में पहला और तीसरा सही है, पहले और तीसरे में GST लगाया जा रहा, तो इसका सही आंसर आपका ए निकल कर आ जाता है. आगे बढ़ते हैं, 13वां क्वेश्चन है. 40 क्वेश्चन कुल मिलाकर आपके यहां पर दे रखे हैं. 13वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है. Compute the value of exempted supplies for the purpose of section 17 subsection 2. ITC के chapter के अंदर exempted service का meaning बढ़ा दिया जाता है. वहाँ पर आपके non-taxable, exempted, nil-rated तो आते ही आते हैं, साथ में securities को भी 1% पर valuation किया जाता है. Immovable property जो completed है उसको बेचने पर circle rate पर उसका valuation किया जाता है, ये बात हम जानते हैं. तो ये non-taxable है, ये भी exempted है. Value of architectural service taxable है, छोड़िए, exempted पूछ रहा है. Securities face value इतनी है, sold किया इतने में, तो 1% पर valuation किया जाएगा, तो ये आ जाएगा 950 रुपये ये निकल के आ जाएगा. तो इसका मतलब आपका जो सही जवाब है 1,50,000 और 950 रुपए, तो 1,50,950 रुपए इसका सही जवाब है 13वें क्वेश्चन का. ग्रैंड फूड्स इज एंगेज्ड इन सप्लाइंग रेस्टोरेंट सर्विसेज इन दिल्ली इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इट्स हैज एंड. ये रेस्टोरेंट वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले के लिए एक नोटिफिकेशन पीछे आई थी, उसमें बताया गया था कि अगर एग्जेम्प्टेड सर्विसेज की ये बात कर रहे हैं तो एग्जेम्प्टेड सर्विसेज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट और डिस्काउंट को इग्नोर किया जाएगा, एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर ऐड नहीं किया जाएगा, स्पेशली इनके लिए बोला गया था, याद है ना आपको. यस सर. तो इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एग्रीगेट टर्नओवर 90 लाख रुपए का था रेस्टोरेंट सर्विसेज से, 10 लाख की सप्लाई फार्म लेबर से थी, ये एग्जेम्प्टेड होती है, गेट नंबर 5 से बाहर निकल जाती है और बैंक से इंटरेस्ट कमाया है 10 लाख रुपए का. ये वाला 10 लाख और ये 10 लाख दोनों एग्जेम्प्टेड है, इसलिए एग्रीगेट टर्नओवर में रेस्टोरेंट पर्पस के लिए नहीं ऐड किया जाएगा. अब पूछ रहा है कि भाई साहब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो उनको ट्रू फॉल्स चेक करके चलो. एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ग्रैंड फूड्स डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी फॉर कंपोजिशन स्कीम इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 90 लाख, ये ट्रू है.
एग्रीगेट टर्नओवर 100 लाख ये गलत है, ये फॉल्स है। एग्रीगेट 110 ये फॉल्स है। सप्लाई ऑफ फार्म लेबर एंड सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ एक्सटेंडिंग लोन, ये जो एग्जेम्प्टेड सर्विस का नाम लिया गया, डज नॉट मेक ग्रांड फूट इन एलिजिबल फॉर कंपोजिशन। जी हाँ, इनकी वजह से हम इन एलिजिबल नहीं होंगे, यानी ऐसा नहीं करेंगे कि 90 लाख प्लस 10 और 10 110 लाख और इन एलिजिबल कर दें, ऐसा नहीं किया जाएगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, यानी कि पहला और चौथा स्टेटमेंट ट्रू है, इस कारण से आपका सही जवाब है यहाँ पर ए करके, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज प्रोवाइड बाई द गुड हेल्थ केयर नर्सिंग होम आर नॉट एग्जेम्प्ट। जब नेगेटिव टोन में क्वेश्चन आए तो इसे छोड़ दो, क्वेश्चन को भूल जाओ और ये देखो कि क्या एग्जेम्प्ट है और क्या टैक्सेबल है। ये देखो, रेकी हीलिंग ट्रीटमेंट, ये तो पहली बार शायद आप सुन रहे होगे, तो ये आपका ट्रीटमेंट के अंदर नहीं आता है, तो बाबूजी ये कोई मेडिसिन की दुनिया से बाहर है, इसलिए ये आपका टैक्सेबल रहेगा, ये आपका एग्जेम्प्टेड नहीं रहेगा। वो क्या पूछ रहा है, विच आर नॉट एग्जेम्प्ट, मतलब टैक्सेबल कौन सा है वो पूछा यहां पर जा रहा है, तो ये टैक्सेबल रहेगा। प्लास्टिक सर्जरी है, कंडक्ट टू रिपेयर क्लिफ्ट लिप ऑफ द न्यू बेबी बॉर्न, ये क्योर के लिए है, मानव बॉडी को उसके सही शेप में लाने के लिए जो भी सर्जरी वगैरह की जाती है क्योर के लिए है, अगर ये केयर के लिए होती तो नहीं आती, क्योर के लिए है, तो ये आपकी एग्जेम्प्टेड है। आगे बात करते हैं, एम्बुलेंस की सर्विसेज चाहे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा दी जाए या अदरवाइज के द्वारा दी जाए, एग्जेम्प्टेड होती है। ऑपरेटिव केयर, केयर फॉर टर्मिनली इल और पेशेंट, हम जानते हैं कि हेल्थ केयर का मतलब होता है डीटीसी, डीटीसी का डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट और केयर, ये केयर की सर्विस यहां पर दी जा रही है, ये भी आपकी एग्जेम्प्टेड हो जाएगी। इसके चलते एक और है, ऑल्टरनेट मेडिकल ट्रीटमेंट बाई वे ऑफ आयुर्वेदा, ये भी आपका एग्जेम्प्टेड है यहां पर आकर माई डियर। तो इसके चलते हुए यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा एग्जेम्प्ट नहीं है, यानी कि टैक्सेबल कौन सा, तो मैंने कहा भाई साहब पहला वाला टैक्सेबल है, और पहला वाला टैक्सेबल होने के नाते आपका सही जवाब यहां पर सी निकल कर आता है। ओपन एरिया इन द प्रेसिंक्ट्स ऑफ ए टेंपल हैज बीन रेंटेड फॉर ए मैरिज फॉर ए डे, ठीक है जी, मैरिज के लिए दिया गया। एग्जम्पशन के अंदर आपका जो रेंटिंग के पॉइंट थे कौन कौन से पॉइंट थे रेंटिंग के, सर 12वां, 13वां, 14वां पॉइंट हमारे रेंटिंग के संबंध में थे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सच रेंटिंग इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, एग्जेम्प्ट कहां कहां होगा। टेम्पल इज ओन्ड बाई द सनातन चैरिटेबल ट्रस्ट, जो 12AA के अंदर आता है और किराया 9000 है, अगर इसकी वैल्यू 9999 तक है तो ये एग्जेम्प्ट होगा, और जैसे 10000 होगा ये आपका टैक्सेबल कर दिया जाएगा, तो ये आपका एग्जेम्प्टेड है। यहाँ वैल्यू 11000 कर दी, ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। बोथ क्या पूछा था, एग्जेम्प्ट कौन कौन से होंगे, तो भाई साहब ए ही एग्जेम्प्ट, बी तो नहीं है, क्या दोनों एग्जेम्प्ट हैं, नहीं ये सही जवाब नहीं है। नन ऑफ द, क्या दोनों में से कोई एग्जेम्प्ट नहीं है, ये भी सही जवाब नहीं है। सही जवाब क्या है आपका, ए वाला। तो 16वें में सही जवाब आपका ए निकल कर आता है, यही आपका एग्जेम्प्टेड है। बीटीडब्ल्यू प्राइवेट बाय द वे, बीटीडब्ल्यू बाय द वे प्राइवेट लिमिटेड हैज द फॉलोइंग यूनिट्स, क्या एक फैक्ट्री इन नोएडा उत्तर प्रदेश है। ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, बेसिकली आईएसडी बेस्ड क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी करवाएगा। फैक्ट्री इन नोएडा उत्तर प्रदेश में है, एक फैक्ट्री इनकी उत्तर प्रदेश में है, क्लोज्ड हो गई थी, तो भाई साहब जो क्लोज हो गई उसके मौज ले दो, उससे कुछ मतलब नहीं है, नो टर्नओवर, तो इसे कर देंगे आप पूर्ण रूप से इग्नोर, इसको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, मिल भी जाएगा तो क्या खंडर में रखोगे, बंद हो चुकी है। फैक्ट्री इन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है, टर्नओवर उसका 54 करोड़ रुपये का था। सर्विस सेंटर इन फरीदाबाद हरियाणा में है, टर्नओवर 2 करोड़ का है। सर्विस सेंटर न्यू दिल्ली में है, टर्नओवर 4 करोड़ रुपए का है। द कंपनीज कॉरपोरेट ऑफिस फंक्शंस एज एन आईएसडी, इट हैज टू डिस्ट्रीब्यूट इनपुट टैक्स क्रेडिट 18 लाख फॉर अप्रैल, 18 लाख का है। ऑफ दिस जिसमें से एन इनवॉइस इन्वॉल्विंग 6 लाख पर्टेनिंग टू टेक्निकल कंसल्टेंसी टू फरीदाबाद यूनिट। 3 प्रकार की आपकी यूनिट है, मैं आपको बताता हूं अलग से कागज लेकर इसे कैसे होगा। आपकी 3 यूनिट हैं, हमें पहली वाले से तो कोई मतलब है नहीं, उत्तर प्रदेश ये वाली से तो, नोएडा वाले से कोई मतलब नहीं है। एक है हमारी गाजियाबाद वाली यूनिट है यूपी की, एक हमारी फरीदाबाद वाली यूनिट है हरियाणा की, और 3 यूनिट है हमारी दिल्ली की, एक दिल्ली की, 3 हमारी यूनिट हैं। 18 लाख रुपये का आईटीसी था, जिसमें से बता रहा है कि 6 लाख जो है वो आपका स्पेसिफिकली संबंधित है, कौन सी वाले से, फरीदाबाद वाले से। तो भाई साहब 6 लाख तो आप इसे चुपचाप दे ही दीजिए, ये तो एक काम हो गया, जो इंडिविजुअल बिलिंग थी वो दे दिया, बाकी बचते हैं 12 लाख रुपये, 12 लाख को टर्नओवर रेशियो में डिवाइड कर दीजिएगा, तो 12 लाख जब इसको कितना मिलेगा, तो 12 लाख आपका यहाँ पर आ जाएगा, और इसका टर्नओवर रेशियो 54 और 2 56, 56 और 4 60 डिवाइड बाई 60 into 54, ये कितना निकल कर आ जाता है, तो मैं फटाफट से कर देता हूँ, 12 into 54 डिवाइड बाई 60, ये आएगा 1080,000 यहाँ निकल कर आ जाता है इसके हिस्से का, और जो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, 12 लाख है, और इनका टर्नओवर था फरीदाबाद वालों का था, फरीदाबाद का था 2 करोड़ रुपए का, 2 divided by 60, तो ये आएगा 24, और 24 को मैं डिवाइड अगर करता हूँ 60 से, तो ये आएगा मेरा 0.4, यानी कि 40,000 रुपये यहाँ पर निकल कर आ जाते हैं। एंड
जब मैं दिल्ली की बात करके चलूंगा तो 12 लाख मेरा यहां पर आएगा, 4 करोड़ का टर्नओवर है, 6 डिवाइड बाई 60 करके चलूंगा तो 12 चौक 48 और 48 डिवाइड बाई मैं 60 करके चलता हूं तो यह आएगा मेरा 0.8, 80,000 रुपये यहां पर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना जी बाबू, ध्यान से सुनो मेरी बात, इधर ध्यान से सुनो, कोर्स चाहे मुझसे 15 घंटे में खत्म करवा लो, 50 घंटे लगवा लो, 90 घंटे लगवा लो, 200 घंटे लगवा लो, 250 घंटे लगवा लो, डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड क्या है, आप कितनी तेजी से बातों को पकड़ पाते हैं, वरना बाबा तो आपको जैसे कहेंगे वैसे करवा देंगे। मैं चाहूं तो इससे भी तेज स्पीड में आपको करा सकता हूं और आपको समझ में भी आएगा, ये भी हमारा वादा है। आगे बढ़ते हैं तो आपका टोटल क्या आ जाएगा, इसका फाइनल टोटल निकल के आया 10,80,000 रुपये निकल के आ जाता है, यहां पर आया 6,40,000 निकल के आता है और इसका आएगा अपना 80,000, ये ऐसे करके निकल कर आ जाएगा 10,80 कहां गया, तो इनका आएगा 1 का 10, 80, 40 और 80, यानी कि सही जवाब इसका सी निकल कर आएगा। 17वें सवाल का सी है, बी है कौन सा देखना, गलती तो नहीं कर दी हमने कहीं, ये आएगा निकल कर 10,80 किसका है, यूपी वाले का, 10,80 यूपी वाले का है, और नहीं ये वाला सी नहीं बी आएगा, फरीदाबाद 640 है, ये 80 हो गया, 10,80 इसका हो गया। ठीक है जी, तो यहां पर सही जवाब आपका बी निकल कर आ जाता है, 17वां सवाल आपका ये था। 18वें क्वेश्चन के अंदर बात करके चलते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, समय बताना मुझे कितना हुआ जेपी, हमारा वीडियो को टाइम कितना हो गया, वीडियो छोटा होना चाहिए। अ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल प्रोवाइडिंग टेक्निकल कंसल्टेंट सर्विसेज बाय अ मोटरसाइकिल फॉर यूज ऑफ इट्स एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉय के लिए मोटरसाइकिल वो खरीद रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हैं, टेक्निकल कंसल्टेंसी दे रहे हैं फॉर यूज ऑफ एम्प्लॉय, पूछ क्या रहा है ये, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी टेकन, नेगेटिव टर्म में क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को भूल जाओ, पहले देखो कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा। सॉफ्टवेयर है 32 मिनट्स हो गए, ठीक है तो हम एक घंटे का मेरा टारगेट था, एक घंटा 10 मिनट जो भी है। अ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल प्रोवाइडिंग टेक्निकल कंसल्टेंसी बाय अ मोटरसाइकिल फॉर यूज ऑफ हिज एम्प्लॉय, ठीक है जी, क्रेडिट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, इसका क्रेडिट आपको नहीं दिया जाएगा, इसका क्रेडिट आपको नहीं दिया जाएगा। अब मोटर ड्राइविंग स्कूल, ड्राइविंग स्कूल के लिए मिल जाता है, हमारा जो सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 है वो इसमें बात करके चलता है, वो बोलता है कि भाई साहब ट्रेनिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, गुड्स पैसेंजर को ढोने के लिए इस्तेमाल करके चल रहे हो या फिर फर्दर सप्लाई के लिए कर रहे हो तो मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। यहां ड्राइविंग के लिए इसका मिल जाएगा, फ्लाइंग स्कूल है मिल जाएगा, मैन्युफैक्चर बाय स्मॉल ट्रक फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनपुट इक्विप्ड गुड्स इसका भी मिल जाएगा, तो पहले वाले का नहीं मिलेगा। इसका सही जवाब आपका कौन सा है, इसका सही जवाब कौन सा है मालिक, वो पूछ कह रहा था कैन नॉट बी टेकन, तो पहले वाले का नहीं ले पाए तो सही जवाब आपका सी निकल कर आ जाता है। ठीक है जी, कमलेश हायर्स अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर फॉर रिपेयरिंग हिज फैक्ट्री बिल्डिंग, ठीक है जी, ध्यान से पढ़ना, ये ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा, है निशान लगा लेना जो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन हैं। अ लंपसम पेमेंट ऑफ रुपीज 11,80,000 पेमेंट किया 11,80 का, ही डेबिट्स हाफ ऑफ द एक्सपेंडिचर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रिमेनिंग कैपिटलाइज कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंड यानी कि रिपेयर के लिए जो इस्तेमाल किया गया है वो 50% है और 50% इसका कैपिटलाइज किया गया है यानी कि बिल्डिंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो इसका तो ITC ना मिलेगा लेकिन रिपेयर पर्पज के लिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्ड में आ जाएगा तो कंस्ट्रक्शन वाले का नहीं मिलेगा और बाकी इसका आपको रिपेयर मेंटेनेंस वाले का मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप करोगे 11,80,000 का 18% निकाल दो, ऐसे तो करोगे ना आप गलती क्या करोगे, आप गलती करोगे 11,80,000 सर जी और इनटू 0.18 और ऐसे करके डिवाइड बाय 2 आप ऐसे कर दोगे 1,06,000 आप इसको टिक कर जाओगे, लेकिन नहीं, ये 11,80 की टोटल पेमेंट करिए, 18% का GST का रेट है तो इसके अंदर 1,80 का क्रेडिट छुपा हुआ है और 1,80 का इनपुट टैक्स था, इसका आधा आपको मिलेगा 90,000 रुपये, गलती मत कर दीजिएगा, ये गलती कराने वाला क्वेश्चन था आपका, 90,000 सही जवाब है। एन ऑनलाइन पोर्टल बेस्ट इन्फो रेजेस इनवॉइस फॉर डेटाबेस एक्सेस 21 फरवरी 2017 को, ये अपना इनवॉइस कोई रेज कर रहे हैं, 21 फरवरी को इनवॉइस रेज कर दिया गया है, ठीक है जी, एंड ऑन रॉय एंड बंसल्स ये रेसिपिएंट है, द पेमेंट इज मेड बाय रॉय एंड बंसल बाय डिमांड ड्राफ्ट सेंट ऑन 25 फरवरी, ठीक है 25 फरवरी को भेज दिया है, विच इज रिसीव्ड एंड एंटर्ड बाई द अकाउंट्स ऑफ 28 फरवरी को किताबों में एंटर हो गया है, बेस्ट इन्फो इन कैश इज द डिमांड ड्राफ्ट एंड देर आफ्टर एक्सेस द डेटाबेस टू रॉय एंड कंपनी, ये इस दिन ये इसका अमाउंट क्रेडिट हो जाता है, बुक्स में यहाँ गया क्रेडिट यहाँ हुआ, इन द मीनवाइल द रेट ऑफ टैक्स चेंज्ड फ्रॉम 1 मार्च, 1 मार्च को रेट चेंज हो जाता है 1 मार्च को रेट चेंज हो रहा है
और जो आपका यहाँ पर पेमेंट जो किताबों में आपने एंटर किया है वो है 28 फरवरी को, आपने पेमेंट किताबों में एंटर कर लिया है 28 फरवरी को, यहाँ पर आपका रेट बदल जाता है और क्रेडिट हुआ है 3 मार्च को। सेक्शन नंबर 14 आपका यहाँ पर आता है और वो बोलता है कि अगर ये पीरियड ज़्यादा दूर का है तो क्रेडिट की डेट को पेमेंट डेट मान के चलेंगे, लेकिन 4 वर्किंग डेज के अंदर आ रहा है अगर ये, तो फिर हमारी ये वाली डेट ही पेमेंट की डेट बना दी जाएगी। तो यहाँ पर 28 फरवरी पेमेंट की डेट आएगी, लेकिन ध्यान से सुन लीजिएगा, आप गलती से कहीं इसे टिक कर जाए 28 फरवरी, पूछ क्या रहा है ये पूछ रहा था टाइम ऑफ सप्लाई, तो आपकी निकल के आई है पेमेंट की डेट। तो पेमेंट की डेट और आपकी इनवॉइस क्रेडिट जो 21 फरवरी है, विच एवर इज अर्लियर, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना, ये भी गलती कराने वाला क्वेश्चन था, कहीं आप 28 फरवरी पर अटक के रह जाएं, विच एवर इज अर्लियर, तो 21 फरवरी इसका सही जवाब निकल कर आएगा, जो सी इसका आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है जी, 21वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन को कौन ले सकता है, रजिस्टर्ड पर्सन एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डिड नॉट एक्सीड 75 लाख ले सकता है, रजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन को क्लैरिफाई करना चाहिए था कि इसमें जो सिलेक्टेड लोग हैं उन्हीं की बात करी जाती है, क्लैरिफाई करना चाहिए था थोड़ा सा। रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 1 करोड़, ये भी ले सकता है, लेकिन थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन इसमें जरूरी थी माय डियर। ठीक है जी, आगे बात करता है मैन्युफैक्चरर ऑफ पान मसाला, मैन्युफैक्चर पान मसाला ये नहीं मिले पाएगा, 3 है पान मसाला और आपका आइसक्रीम और जो टोबैको वाले हैं उनको नहीं मिल पाता, अगर ये मैन्युफैक्चरर हैं, अगर ये ट्रेडर हैं तो मिल जाता, मैन्युफैक्चरर को नहीं मिलेगा। अ पर्सन एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम, नहीं भाई साहब, अ पर्सन एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली प्रोवाइड रेस्टोरेंट सर्विस मिल जाएगा, अ पर्सन एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन द सप्लाई ऑफ मेडिसिन मिल जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था कि कौन कौन ऑप्ट कर सकते हैं, तो पहला वाला और दूसरा वाला, पहला दूसरा पांचवा छठा ये ऑप्ट कर सकते हैं, पहला दूसरा पांचवा छठा, देखना कौन सा ऑप्शन आपका सही बनता। सर जी ऑप्शन आपका बी यहां पर सही बनेगा, पहला दूसरा पांचवा छठा ले सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नेगेटिव टोन में आ गया है, तो नेगेटिव टोन को इसे क्वेश्चन छोड़ दो, बाकी ये देखो कि क्या सही है क्या गलत है, ट्रू फॉल्स देखना बेसिकली। रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग गुड्स अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन को भूलते हुए सीधा अपने क्या ट्रू है क्या फॉल्स है, ईच एंड एवरी स्टेटमेंट रजिस्टर्ड नेगेटिव वाले ये घुमा देते हैं ध्यान से। रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग गुड्स अंडर द कंपोजिशन स्कीम शेल इश्यू बिल ऑफ सप्लाई, ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू बात है। लास्ट डेट क्या पूछ रहा है, लास्ट डेट जो आपकी यहां पर होगी ऑफ लाइबिलिटीज टुवर्ड्स टैक्स इंटरेस्ट फी और एनी अदर सम इज 20th ऑफ ईच मंथ, नहीं जी ये कॉम्पोजिशन स्कीम वाला है 18 तारीख होती है और मंथली भी नहीं होती क्वार्टरली होती, तो स्टेटमेंट ये फॉल्स है। ठीक है जी, ये इनकरेक्ट है। कंपोजिशन डीलर शेल मेंशन इन द वर्ड्स कंपोजिट टैक्सेबल सप्लाई और नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी, बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। लास्ट डेट फॉर पेइंग लाइबिलिटी टैक्स वगैरह वगैरह 18 तारीख आती है और क्वार्टरली बेसिस पर निकल के आती है, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसमें से पूछा क्या था कि कौन सा सही नहीं है, तो भाई साहब बी सही नहीं है, इसका जो सही जवाब आएगा निकल के जो टिक करोगे आप इसमें बी वाला जो है ये आपका सही जवाब है, यहां पर ये सही नहीं है स्टेटमेंट। ठीक है जी, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है जो पूछा गया है। 23वां क्वेश्चन क्या बोलता है, 23वां क्वेश्चन कह के चलता है भाई साहब टनाटन, मेसर्स टनाटन रिसीव्ड टेस्टिंग सर्विसेज फ्रॉम एक्वेरियन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, एक्वेरियन वाले ये सप्लायर हैं और टनाटन जो हैं ये आपके रेसिपिएंट हैं। ऑन 10 मई 2018 को सर्विस ली जा रही है, द पेमेंट वॉज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ टनाटन 16 मई को यहां पर एंटर हुआ है एंड वॉज क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट ऑफ सप्लायर, सप्लायर के खाते में 19 मई को ये क्रेडिट हो गया है। इन द मीनवाइल सप्लायर इश्यूड इनवॉइस ऑन 18 मई को ये यहां पर इश्यू कर देता है इनवॉइस, व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई बाबू जी, तो क्या ये डेट मेरे लिए रिलीवेंट है, नहीं, इस डेट से मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये डेट क्या कह रही थी, टनाटन की बुक्स ऑफ अकाउंट में कब गया कब नहीं गया मुझे मतलब नहीं, मेरे लिए पेमेंट डेट ये रही, पेमेंट डेट और आपकी ये इनवॉइस की डेट, क्या इनवॉइस टाइम से है, जी हाँ सप्लाई दी गई थी 10/5 को, उसके 30 डेज के अंदर इनवॉइस आ जाना चाहिए, इनवॉइस बिल्कुल टाइम से है, इनवॉइस और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर, तो इसका मतलब इसका सही जवाब होगा 18 मई, इसका सही जवाब निकलकर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ रीजन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन फिर वही आ गया ना नेगेटिव टोन, तो भाई साहब इसको भूल जाओ, आप चेक करो कि कौन सा कैंसिलेशन का कारण है कौन सा नहीं है, इंडिपेंडेंटली ईच एंड एवरी केस को चेक करो,
कि किस बेस पर कैंसिलेशन हो जाएगा, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि यहां पर पैन आपका बदलेगा तो पहले वाले का कैंसिलेशन हो जाएगा, तो इसका कैंसिलेशन हो जाएगा, इसका कैंसिलेशन हो जाएगा, इस आधार पर कैंसिलेशन हो जाएगा। द बिजनेस हैज डिसकंटिन्यूड, इस आधार पर भी कैंसिलेशन हो जाएगा। कंपोजिशन टैक्सपेयर हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड, हाँ ठीक है जी, इस आधार पर भी हो जाएगा। रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कंपोजिशन डीलर हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव, नहीं यहाँ 3 नहीं है 6 लिखा हुआ है, 6 महीने का पीरियड बनता है, तो इसके आधार पर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा। तो ये पूछ रहा था कि किस आधार पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा, तो सही आंसर आपका डी निकल कर आता है। इसका सही जवाब बाबूजी डी होता है, ठीक है ना, इसका सही जवाब आपका डी निकल कर आता है। 25वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओइडार सर्विसेज, ओइडार सर्विसेज आज ही रिविजन वीडियो में आपको बताया था, जो फुली ऑटोमेटेड होती है, इंटरनेट पर बेस्ड होती हैं, और ऐसे करके जब तक इंटरनेट चलेगा तब तक वो काम करके चलेगी। ऑनलाइन कोर्स है कंसिस्टिंग ऑफ प्री रिकॉर्डेड वीडियोज, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो रिकॉर्डेड पड़ी हुई, लेकिन ऑनलाइन अवेलेबल है, वीडियोज आपके डाउनलोड नहीं हो सकते, पीडीएफ फॉर्म जो सपोर्टिव है वो डाउनलोड हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपका वीडियो चल रहा है, जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग हो रही है वो आपका डाउनलोडेबल नहीं है, पीडीएफ की स्ट्रीमिंग नहीं होती, इसकी स्ट्रीमिंग ऑनलाइन हो रही है, तो ये आपकी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन में आएगी। उसके बाद में बोलता है पीडीएफ डॉक्यूमेंट मैनुअली ईमेल, मैनुअल जहां आ गया, मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होता, ये फुली ऑटोमेटेड होती है, ये ओइडार नहीं है। इंडिविजुअली कमीशनड सेंट इन अ डिजिटल फॉर्म फॉर एग्जाम्पल फोटोग्राफ्स, तो ये भी आपकी नहीं है, आपकी नहीं है ओइडार की सर्विसेज। स्टॉक फोटोग्राफ्स अवेलेबल ऑटोमेटेड डाउन, तो ऑटोमेटेड ये आपके आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये आपका ओइडार कैटेगरी में अंदर आ जाता है। तो पहला और चौथा आपका यहां पर ओइडार कैटेगरी में आ रहा है, और उसके बाद में आगे बोल के चलता है पांचवें पॉइंट पर ये बोल रहा है, ये एक और रह गया है, उसमें बोला जा रहा है कि जो पीडीएफ आपके डॉक्यूमेंट आ रहे हैं उनके संबंध में वो क्या कह रहा है, ईमेल्ड बाय प्रोवाइडर्स सिस्टम पीडीएफ डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली ईमेल्ड है, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है, ये भी आपका ओइडार कैटेगरी के अंदर आ जाता है। तो कौन कौन से ओइडार कैटेगरी के अंदर आपके यहां आ गए हैं, एक था पहला, चौथा और पांचवा, पहला चौथा और पांचवा। लेकिन मैं एक बात अपना इसमें तर्क देना चाहूंगा, क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग सही नहीं है, क्वेश्चन की मैं चलो ठीक है कंटेंट नहीं कर रहे हैं इसे, लेकिन क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग टू सम एक्सटेंट थोड़ी सी सही ढंग से होनी चाहिए थी, ड्राफ्टिंग सही नहीं है इसकी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, व्हाइल कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड, यानी वैल्यू बेस्ड है, वैल्यूएशन पर है, बाबा की बूटी के छठे बॉक्स के मुताबिक प्राइस ऑफ द गुड्स जुड़ेगा, पैकिंग पैकिंग चार्जेस ये भी जुड़ेंगे, इंसिडेंटल ओटिस आईडी, समझते हो ना, ओटिस आईडी ऑब्लिगेशन, टैक्सेस, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, सब्सिडीज एंड इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह वगैरह, टैक्स लेवीड बाय म्युनिसिपल, जी जीएसटी को छोड़कर, कॉम्पनसेशंस को छोड़कर बाकी सारे टैक्स जुड़ जाते हैं, ऑल ऑफ द, जी सारे जुड़ेंगे, इसका सही जवाब आपका डी निकल के आता है। 27वां क्वेश्चन, विच डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी सेंट टू सेंड गुड्स फ्रॉम ब्रांच ऑफिस, ब्रांच ऑफिस से दूसरे ब्रांच के अंदर अगर हेड ऑफिस जाएगा तो इसे हम लोग डीम्ड सप्लाई के रूप में करके चलते हैं, और यहाँ पर टैक्स भी देना होता है, टैक्स दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर यहाँ पर टैक्स इनवॉइस बनाया जाएगा, और ई वे बिल की आवश्यकता भी पड़ेगी अगर आपका वो जो 50,000 से ऊपर का माल आ रहा है तो यहाँ पर आकर बोलते हैं टैक्स इनवॉइस और ई वे बिल, थोड़ा मेंशन कर देते भाई साहब उसकी वैल्यू क्या है, तो थोड़ा और क्लैरिटी के साथ में बात कही जा सकती थी, क्वेश्चन को और घुमावदार बनाया जा सकता था। आगे बोलते हैं इज ई वे बिल मैंडेटरी इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट, हम अच्छे से जानते हैं हैंडीक्राफ्ट और जॉब वर्कर केस में ई वे बिल मैंडेटरी होता है, भले ही वैल्यू 50,000 से कम क्यों ना हो, तो ई वे बिल 28वें के अंदर ई वे बिल मैंडेटरी होता है, तो इसका सही जवाब निकल के आएगा, क्या बोलता है, ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड, जी भाई साहब गलत है जवाब, ई वे बिल इज मैंडेटरी ओनली फॉर वैल्यू ऑफ, नहीं ये भी नहीं है, यहाँ तो लिमिट काम ही नहीं करती, ई वे बिल इज मैंडेटरी इवन इफ वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट डज नॉट, ये सही जवाब है आपका, ये सही जवाब है, तो यहां पर 28वें का सी सही जवाब निकल कर आता है। 29वां क्वेश्चन, अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन क्लेम रिफंड एनी अनयूटिलाइज्ड आईटीसी, अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन क्लेम रिफंड एनी अनयूटिलाइज्ड आईटीसी ऑन जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स और द क्रेडिट एक्यूमुलेटेड ऑन अकाउंट ऑफ द इन्वर्टेड टैक्स रेट स्ट्रक्चर, जहां आउटपुट पे टैक्स कम होता है और इनपुट साइड में टैक्स आपका ज्यादा बनता है, तो वहां कैसे कर सकते हैं, तो 2 साल का पीरियड होता है, 2 साल का पीरियड आपका यहां पर आ रहा है, तो इसका सही जवाब यह है, सिंपल क्वेश्चन था। रजिस्टर्ड पर्सन हु इज अंडर इन्वेस्टिगेशन फॉर एन ऑफेंस अंडर चैप्टर सो एंड सो नीड टू रिटेन बुक्स ऑफ अकाउंट
वैसे आपका बुक्स ऑफ अकाउंट का जो पीरियड होता है 72 महीने का पीरियड होता है, लेकिन अगर कोई केस वेस चल रहा है तो जब तक केस डिस्पोजल होगा, डिस्पोजल के 1 साल तक आपको और मेंटेन करना होता है। तो इन दोनों में जोन से भी अवधि बाद में खत्म हो रही हो वहां तक आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं। 72 महीने फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग अनिल रिटर्न, 1 ईयर फ्रॉम फाइनल डिस्पोजल ऑफ दिस 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 ए और बी विच एवरेज लेटर। इसका सही जवाब आपका सी निकल के आता है। प्लेन क्वेश्चन था, इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं थी। अगला क्वेश्चन है 31वां। क्या कह रहा है 31वां क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन आपका 31वां है और जो कुछ कह रहा है, आप से एक मिनट थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा दूं इसकी मैं। हाँ, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट मेथड फॉर सर्विस नोटिस। नोटिस जो होता है, शो कॉज नोटिस दिया जाता है, वो कैसे दिया जाता है? बाई गिविंग टू एन अडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली रिजाइडिंग। जी, फैमिली मेंबर को दिया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अलाउड है। बाई मेकिंग अवेलेबल कॉमन पोर्टल, ये भी अलाउड है। बाई सेंडिंग कोरियर, ये भी अलाउड है। रजिस्टर्ड पोस्ट अलाउड है। अफिक्सिंग कॉपी, ये भी अलाउड है। सारे के सारे यहाँ पर आपके अलाउड हैं ये सारे ऑप्शंस। और दूसरा, इनका कोई सीक्वेंस भी मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। पुराने लॉ के अंदर सीक्वेंस मेंटेन करने होते थे, लेकिन आप जो मर्जी चाहे, जैसे मर्जी चाहे, आप जिस भी मेथड से आप नोटिस सर्व कर सकते हैं। इसका सही जवाब आपका डी निकल कर आता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। इसका सही जवाब आपका डी निकल कर आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन डज नॉट क्वालिफाई एज अ सर्विस अंडर जीएसटी लॉ। फिर नेगेटिव टोन पर आ गया, अंडर जीएसटी। तो आप इंडिपेंडेंट चेक करो क्या सप्लाई है और क्या सप्लाई नहीं है। 32वां क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ठीक है जी। When the head office makes a supply of service to its own branch outside the state, जी ये सप्लाई है। When a person imports services, import of services बहुत क्वेश्चन है, without consideration FOC है, for the purpose of business purpose भी है, और from some related party से भी है, ये भी आपका सप्लाई बनेगा। डिस्पोजल ऑफ कार विदाउट कंसिडरेशन, एफ ओ सी किया है, एंड वियर सप्लायर हैज नॉट क्लेम्ड आई टी सी। तो परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट तभी सप्लाई बनता है जब आपने आई टी सी क्लेम कर रखा हो, लेकिन यहाँ पर नहीं कर रखा तो ये आपका सप्लाई नहीं बनेगा। वैन अ प्रिंसिपल मेक सप्लाई टू हिज एजेंट, तो ये भी आपका सप्लाई माना जाता है, भले ये एफ ओ सी क्यों ना किया गया हो। तो क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन डज नॉट क्वालिफाई, तो सही जवाब आपका थर्ड वाला निकल कर आ रहा है। तो उसका सही जवाब आपका सी यहाँ पर हो जाएगा, थर्ड में सप्लाई नहीं माना जाएगा। 33वां क्वेश्चन क्या कहता है, टाइम देखो भाई। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल ऑन ऑल सप्लाईज विच आर यूज और इंटेंडेड टू बी यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल ऑन ऑल सप्लाईज विच आर यूज और इंटेंडेड टू बी यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी अवेलेबल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। आई टी सी कहां मिलेगा, इनमें से किस किस में आई टी सी मिल जाएगा? जीएसटी पेड 47, कोई बात नहीं, हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा घंटे के अंदर का। GST paid on motor vehicle used in the course and furtherance of the business। बताइए, जो आपने मोटर व्हीकल लिया है तो उस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी अवेलेबल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। थोड़ा आप भी दिमाग लगाइए, जीएसटी ऑन मोटर व्हीकल यूज्ड इन द, भाई साहब आप बिजनेस पर्पज पर कर चलो, उससे हमें कोई मतलब नहीं बनता। मोटर व्हीकल क्रेडिट 3 सिचुएशन में दिया जाता है, गुड्स और इनपुट वगैरह को ढोने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर आप उसका इस्तेमाल करके चल रहे हो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या फिर ड्राइविंग के लिए, ट्रेनिंग वगैरह के लिए करके चल रहे हो। तो यहाँ पर वैसे सही जवाब इन्होंने ये वाला दे रखा है, पर मेरे हिसाब से यहाँ कह रहा है ना यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। तो अगर थोड़ा सा क्लेरिफाई करके चलता तो बात बन जाती, ये मतलब हो भी सकता और नहीं भी, इंटरप्रिटेशन का खेल है कि क्या आप इसे ऐसे इस्तेमाल कर रहे हो कि अपने इनपुट और कैपिटल गुड्स को ढोने में इस्तेमाल कर रहे हो बिजनेस पर्पज के लिए, तो मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो मैं इनके हाँ में हाँ मिला लेता हूँ, ठीक है ना, वरना इसको थोड़ा क्लैरिटी के साथ लिखना जरूरी था। जीएसटी पेड ऑन क्लब मेंबरशिप, ये इंडिविजुअल संबंधित सर्विस नहीं मिलेगा। जीएसटी पेड ऑन गुड्स और सर्विसेज और बोथ यूज्ड फॉर पर्सनल नहीं मिलेगा। आईजीएसटी 18% पेड ऑन इनपुट परचेस्ड फ्रॉम वेंडर इन बैंगलोर विच इज सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन राजस्थान, ये निश्चित तौर पर मिल जाएगा। तो पहले वाले पॉइंट को थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ लिखने की जरूरत थी, तो मैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा हूं, लेकिन फिर भी अब लास्ट मोमेंट है, झगड़ा करने का समय नहीं है, तो थोड़ा सा हाँ में हाँ मिला लेने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन नीड टू सम अमाउंट क्लैरिटी, क्योंकि इसके दोनों आंसर हो सकते हैं, ये हो भी सकता नहीं हो सकता, डिपेंड अपॉन इंटरप्रिटेशन। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड। देखो ट्रू फॉल्स कौन से, ऑल अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स आर मेंटेन आर टू बी रिटेन्ड फॉर 6 ईयर 12-76। यस, ये आपका ट्रू है, ये आपका यहां पर ट्रू है। दूसरा, स्टॉक रिकॉर्ड इज टू बी मेंटेन्ड बाई ऑल रजिस्टर्ड डीलर एक्सेप्ट द डीलर्स रजिस्टर
अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, बताइए ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है माय डियर। ये देखो कुछ भी आप कुछ तो बताइए जरा, है ना जी, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है स्टॉक रिकॉर्ड की बात के लिए। स्टॉक रिकॉर्ड टू बी मेंटेन्ड बाय ऑल रजिस्टर्ड डीलर इंक्लूडिंग कंपोजिशन स्कीम, सॉरी इसको मिनिमम अकाउंट अपने मेंटेन करने होते हैं। हम जानते हैं अकाउंटेंट की कॉस्ट भी इसकी कम आती है, स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती कंपोजिट डीलर को। ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू निकल के आ जाता है, ये फॉल्स है। मंथली प्रोडक्शन रिकॉर्ड आर टू बी मेंटेन्ड, कितना मंथली प्रोडक्शन कर रहे हो उसके बारे में आपको जानकारी देनी होती है। मेंटेन्ड बाय ऑल डीलर्स एक्सेप्ट द डीलर हु हैव टेकन ऑप्शन फॉर कंपोजिशन स्कीम। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है? देखो जी, इनको भी कंपोजिट डीलर को भी ये रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, तो इसलिए ये कह रहा है कि भाई नहीं करना, तो स्टेटमेंट आपका फॉल्स में चला जाता है। उसके बाद में फिर आगे बात करता है कि मंथली प्रोडक्शन रिकॉर्ड आर टू बी मेंटेन्ड बाई ऑल डीलर्स इंक्लूडिंग, भाई साहब इसको नहीं, हाँ मंथली प्रोडक्शन रिकॉर्ड, हाँ मंथली प्रोडक्शन रिकॉर्ड आर, मैं अलग से लिख देता हूँ, ये थोड़ा लैंग्वेज घुमा रहा है। कंपोजिशन डीलर को मंथली प्रोडक्शन रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना होता है। तो कह रहा है इंक्लूडिंग दिस तो स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद में रिकॉर्ड्स आर टू बी मेंटेन्ड एट प्रिंसिपल, यह तो बिल्कुल ठीक है। तो कौन कौन से ट्रू निकल के आए इसमें आपके, इसमें पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा पांचवा और छठा, ये आपके ट्रू निकल के आते हैं। तो इसका सही जवाब आपका ए निकल के आएगा। स्पेशल ऑडिट इज कंडक्टेड बाय, भाई साहब सबको पता है सेक्शन 66 के मुताबिक चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट, इसका सही जवाब सी है। देयर इज अ डिफरेंस इन टैक्सेबिलिटी ऑफ गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ, ये थोड़ा सा दिमाग लगा के चलिएगा इसके ऊपर। 36वां क्वेश्चन आपका कुछ कह रहा है आपसे यहां पर आकर। तो जो जो क्वेश्चंस थोड़े से आड़े तिरछे से थे तो मैंने उनको हाईलाइट कर दिया, एक 34वें को भी आप मार्क कीजिएगा और एक आपका 36वां जहां पर गलती होने के चांसेस हैं। देयर इज अ डिफरेंस इन टैक्सेबिलिटी ऑफ गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कंपोजिट और मिक्स, करें कंपोजिट सप्लाई मानेंगे तो ट्रीटमेंट कुछ और होता है, नेचुरल बंडलिंग होती है, तो जो भी मेन सप्लाई होती है उसका टैक्स लिया जाता है। मिक्स सप्लाई के अंदर हम क्या करके चलते हैं कि जहां पर हमारी मल्टीपल सप्लाई हो रही होती है उनमें जो उन सा भी हाईएस्ट रेट पर आ रहा होता है वो कंसिडर किया जाता है। फ्यू आर द एग्जाम्पल्स फ्रॉम विच यू नीड टू आइडेंटिफाई विच इज करेक्ट, आपको करेक्ट और इनकरेक्ट इसमें से छांट के चलना है। तो करेक्ट क्या है, मिस्टर ए बाइज अ कार, एक कार खरीद रहे हैं, एक कार खरीद रहे हैं, तो परचेजेस वारंटी एंड मेंटेनेंस ऑफ द कार बाय पेइंग नॉमिनल अमाउंट, नॉमिनल आई रिपीट, मिस्टर ए बाइज अ कार एंड परचेजेस वारंटी एंड मेंटेनेंस ऑफ द कार बाय पेइंग नॉमिनल अमाउंट, ठीक है। कार वारंटी एंड मेंटेनेंस हियर आर अ मिक्स्ड सप्लाई, ये स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है? एक बार फिर से पढ़ें और देखें कि स्टेटमेंट सही है या नहीं है, कि क्या ये एक मिक्स्ड सप्लाई है कार के साथ वारंटी। बताया था मैंने आपको बाबू बताया था मैंने आपको, याद करो क्या बताया था, करेक्ट है कि नहीं है सर? ये मिक्स नहीं, ये बेसिकली एक कंपोजिट सप्लाई होती है, तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। दूसरा, ए बाइज अ कार एंड परचेज वारंटी एंड मेंटेनेंस ऑफ द कार, ये तो एग्जांपल कराया था, बाय पेइंग नॉमिनल अमाउंट, नॉमिनल कहां गया, नॉमिनल अमाउंट, कार वारंटी एंड मेंटेनेंस हियर आर कंपोजिट सप्लाई, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। मिस्टर ए बाइज अ माइक्रोवेव ओवन एंड सम यूटेंसिल्स फॉर यूज, इसके लिए एग्जांपल दिया था जैसे फ्रिज और बॉटल का था, इसने माइक्रोवेव और बर्तनों का लिया है, इसे मिक्स सप्लाई माना जाता है, बिल्कुल ठीक बात। फ्रिज और बॉटल का एग्जांपल मैंने आपको यहां पर दिया था। मिस्टर ए बाइज चॉकलेट जूस एंड बिस्किट्स फ्रॉम ए शॉप, ऑल आइटम्स हैव डिफरेंट प्राइसेस, सबके अलग अलग प्राइसेस हैं, तो फिर काय का रह गया, ये तो बंडल ही ना बन पाया, सबके अलग अलग प्राइसेस हैं, तो फिर बंडल काय का बन पाया, क्या मिक्स सप्लाई है? द आंसर इज नो। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट थे वो दूसरा और तीसरा था, तो यहां सही जवाब आपका बी निकल कर आता है।
उसके बाद में आगे वो क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन के अंदर। 37वां क्वेश्चन है, मिस्टर ए परचेजेस रिडीमेबल वाउचर्स वर्थ रुपीज 8,000 वाउचर के नाम से। हम टाइम ऑफ सप्लाई के चैप्टर में पहुंच जाते हैं और वहां स्पेशल केस के अंदर बताया जाता है कि अगर वो आइडेंटिफाइएबल है कि उसके अगेंस्ट एग्जैक्टली क्या सप्लाई किया जाना, उसका रेट क्या होगा, तो इश्यू की डेट कंसिडर करते हैं, वरना हमें वेट करना पड़ता है टिल रिडम्पशन डेट। ठीक है, द वाउचर्स आर रिडीमेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ एनी गुड्स। एनी गुड्स का मतलब क्या आ गया कि यहां पर आपको पता नहीं, आइडेंटिफाइबल नहीं कि एग्जैक्टली व्हाट विल बी सप्लाइड अगेंस्ट दिस, तो रेट 5% 18% कुछ भी हो सकता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा रिडम्पशन तक की डेट का। वाउचर वैलिड है 30 जून तक, 30 जून के बाद वो एक्सपायर कर जाएगा। व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, साफ तौर पर लिखा हुआ है द डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। गलती से ये मत कर देना, गलती से 30 जून मत कर देना, 30 जून तो एक्सपायर हो रहा है। अगर मान लीजिए मैं 20 जून को उसे कर लेता हूं, तो जिस दिन मैं रिडीम कर रहा हूं, भाई 30 जून के बाद रिडीम कर ही नहीं पाऊंगा, 30 जून से पहले रिडीम कर सकता हूं, 30 जून तक रिडीम कर सकता हूं, तो जो भी मेरी रिडम्पशन की डेट होगी वहां पर इसका टाइम ऑफ सप्लाई निकाल दिया जाएगा। तो गलती मत कर देना, 30 जून मत कर देना इसको। ठीक है, मिस्टर आर अ रेजिडेंट ऑफ दिल्ली होल्ड्स एन अकाउंट इन ICICI बैंक इन दिल्ली। ओके, दिल्ली में मिस्टर आर गोज टू जयपुर, दिल्ली में इनका बैंक अकाउंट है, जयपुर जा रहे हैं काम से। ड्यूरिंग विजिट टू जयपुर ही टेक सर्टेन सर्विसेज रिलेटिंग टू हिज अकाउंट फ्रॉम ICICI बैंक इन जयपुर, और वहां कुछ सर्विस लेते हैं, बैंकिंग सर्विस लेके चलते हैं। टू बी कॉल्ड इन रिलेशन टू सम ट्रांजेक्शन टू बी कैरिड आउट एट मुंबई, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो बैंकिंग के केस में चूंकि यहां पर दोनों पार्टी इंडिया के अंदर ही है, सेक्शन नंबर 12 लगाया जाता है, और 12 के मुताबिक बैंकिंग सर्विस के बारे में बोलता है कि अगर सप्लाई बेसिकली, या ऐसे बोल के चलूं कि यहां पर अगर जो आपकी सप्लाई है वो की जा रही है, अगर अकाउंट होल्डर है बेसिकली वो व्यक्ति, तो वैसी दशा में उसकी जो लोकेशन है वही यहाँ पर उसका डेस्टिनेशन मान लिया जाएगा, यानी कि दिल्ली इस व्यक्ति की लोकेशन यहाँ पर कंसिडर कर ली जाएगी। तो अकॉर्डिंगली इसका सही जवाब आपका ए निकल कर आएगा, सेक्शन नंबर जो है हमारा 12 के मुताबिक। ठीक है, IGST का सेक्शन नंबर 12। मिस्टर एक्स बिकम्स लाइबल टू पे जी टैक्स ऑन 1 अगस्त 2018 एंड हैज ऑप्टेंड रजिस्ट्रेशन ऑन 15 अगस्त। अच्छा, बिकम्स लाइबल टू पेटे 1 अगस्त को और 15 अगस्त को रजिस्ट्रेशन करा लेता है। सच पर्सन इज एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनपुट हेल्ड इन स्टॉक सो एंड सो, सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के अंदर इसका आंसर मिलता है कि अगर आप 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं द डेट फ्रॉम विच यू आर लाइबल टू पे टैक्स, तो आपको इस डेट से जस्ट पहले वाले दिन जो भी स्टॉक आपका अवेलेबल था उसका क्रेडिट आपको यहां पर अवेलेबल हो जाएगा। 1 अगस्त से पहला दिन है, 31 जुलाई की शाम को जो भी स्टॉक था आपको उसका क्रेडिट 1 अगस्त को अवेलेबल हो जाएगा। 39वें का सही जवाब निकल के आता है आपका 31 जुलाई। 40वां क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है सेट ए का, अच्छे क्वेश्चंस थे, करके जरूर जरूर जाएंगे आप। इंडिगो एयरलाइंस सेल्स वेरियस प्रोडक्ट लाइक वॉचेस आर्टिफिशियल ज्वेलरी पैकेज्ड फूड एटसेट्रा टू इट्स पैसेंजर्स ऑन बोर्ड ड्यूरिंग द फ्लाइट। द फ्लाइट ओरिजिनेट फ्रॉम जयपुर हॉल्ट इन मुंबई। भाई साहब सेक्शन नंबर 10 नहीं याद कि जहां से ये ऑन बोर्ड लिए गए हैं, जहां पर ये बोर्डिंग करी गई है, लोकेशन वेयर गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, वो आपके यहां पर कंसिडर कर लिया जाता है। तो ये थे आपके इंस्टीट्यूट के 40 MCQs सैंपल पेपर्स का पार्ट ए, यहां पर मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिया है। अपने व्यूज अपने रिव्यूज जरूर जरूर दीजिएगा, और चैनल है सी राजकुमार GST वाला, और आप निश्चित तौर पर इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी चीजें लाता रहूंगा जिससे कि आपको बेनिफिट मिलेगा और आपका समय बचा पाऊंगा। अगर मैं आपका इस मूवमेंट पर 10 मिनट भी सेव कर पाया तो मेरा सौभाग्य होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। राधा रानी की कृपा आपके ऊपर सदैव सदैव बनी रहे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय डियर।